श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 15 मई दिन सोमवार एकादशी पड़ रही है। अपरा एकादशी के नाम से ज्येष्ठ मास की एकादशी जो है वो जानी जाती है। तो एकादशी के दिन एक बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। अगर आपका काम कारोबार नहीं चल रहा है, आप कार्य में सफल ही नहीं हो पा रहे, बहुत ज्यादा किस्मत खराब चल रही है, हार चुके हैं जिंदगी से, तो एक छोटा सा उपाय एकादशी के दिन अगर आप पूरी श्रद्धा भावना के साथ कर लेंगे तो आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा, किस्मत के ताले खुल जाएंगे। जी हाँ, एकादशी का दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन होता है। तो इस दिन अगर हम एक छोटा सा उपाय कर देंगे तो हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होना शुरू हो जाएगी, हमारे रुके हुए कार्य भी बनने लगेंगे। उपाय पूरा जानने के लिए वीडियो स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिए। अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिए। तो एकादशी का दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का प्रिय दिन होता है। सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन कोशिश किया करें कि पीले वस्त्र धारण करें। जी हाँ, पीला रंग जो है ये भगवान विष्णु को, बृहस्पति देव को, जो हमारी कुंडली में जो है बृहस्पति देव होते हैं, इनका प्रिय रंग है। अगर हम पीला रंग जो है गुरुवार के दिन या एकादशी के दिन धारण करते हैं तो इससे हमारा गुरु प्रबल होता है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो कोशिश किया करें, जेंट्स जो है वो शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, लेडीज सूट पहन सकती हैं पीले रंग का गुरुवार और एकादशी के दिन। तो इस उपाय को करने के लिए हमने क्या करना है, आपने लेना है पीले रंग का कपड़ा। पीले रंग का कपड़ा कॉटन का ले लीजिए या फिर जो है आप रेशमी कपड़ा ले लीजिए, जैसा आपको मिल पाए। नया लेना है, पहले से प्रयोग किया हुआ कपड़ा हमने नहीं लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। आप मीटर या आधा मीटर ले लीजिए। हमने उसका क्या बनाना है, हमने बनाना है उसका ध्वज। ध्वज मतलब झंडा। अपने हाथ से ही हमने एक तिकोना ध्वज बनाना है, यानी जिसकी तीन शेप, ट्राइंगल शेप का हमने एक झंडा बनाना है। अपने घर में ही बनाइए, अगर तो आपको खुद आता है बनाना तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप पैसे देकर किसी से भी बनवा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है। लाल चंदन आपके पास हो तो आपने उसका एक घोल तैयार करके उसके ऊपर एक स्वास्तिक का निशान आपने झंडे के ऊपर, जब झंडा पूरा बन जाएगा तो उसके ऊपर आपने स्वास्तिक बना देना है। बनाने के बाद एकादशी के दिन आपने शाम के समय या फिर सुबह के समय आपने स्नान आदि करने के बाद जाना है विष्णु भगवान के मंदिर में। ये जो झंडा है, अपनी कामना के साथ, जो भी आपकी किस्मत आपकी खराब चल रही है या आपका समय आपके साथ नहीं चल रहा है, तो उसके निवारण की प्रार्थना के साथ आपने ये झंडा जो है विष्णु भगवान के मंदिर में, अगर तो आप लगवा सकते हैं ऊपर, पूरा जो है मंदिर के शिखर पे लगवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप नीचे ही कहीं पर झंडा लगा कर आइए। वैसे अगर आप शिखर पे लगाएंगे तो जैसे जैसे वो झंडा लहराएगा आपकी जो सोई हुई किस्मत है वो भी जाग जाएगी, सोया हुआ भाग्य आपका चमक उठेगा। और एक घी का दिया आपने विष्णु भगवान के मंदिर में, लक्ष्मी माँ के मंदिर में अवश्य अपनी कामना के साथ एकादशी के दिन शाम के समय लगा कर आना है। हाथ जोड़कर विनती करिएगा, बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय है। झंडे को अगर आप मंदिर के शिखर पर लगवाएंगे तो जैसे जैसे झंडा लहराएगा आपके कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी, आपका बिजनेस व्यापार उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। तो सरल सा उपाय है, ज्यादा मुश्किल उपाय नहीं है। अवश्य इस उपाय को आप कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।